हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आए हो आप? अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज मैं कंटेंट और लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जो ये MDM लॉक और ये KG लॉक जो होता है, मैं उसके बारे में डिटेल करने वाला हूँ और उसके बारे में अनलॉकिंग के बारे में प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हो बिना इजीज अटैक, बिना यू एफ आई के भी आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। नहीं तो आपको फाइनल आपको यूजीज अटैक या UFI से ही इसके लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा। बट चलिए, जो अपडेट है मैं आपको अपडेट करके बता दे रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ MDM और यहाँ पे KG लॉक के बारे में। KG लॉक के बारे में मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट टेलीकॉम को, और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम बात कर लें, आपको जैसे इस टाइप के जो लॉक्स होते हैं, KG लॉक और MDM लॉक, ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाने की बात करूँ और यहाँ पे जो बात करूँ, तो इस टाइप के जो लॉक्स होते हैं इनको अनलॉक करने के लिए जो प्रोसीजर है वो आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपको करना कैसे है सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ और आपको इनलेस सोल्यूशन भी दूंगा कि आप इसमें कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे बताया था कि कोई भी टूल यूज़ नहीं करूँगा और बाकी मैं UMT का भी आपको बता दूंगा। UMT की भी फाइलें आती हैं, आप उसे उसे फ्लैश कर देंगे तो आपका MDM लॉक और KG लॉक भी रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पे अनलॉक टूल में कोई भी फाइल की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, या तो ये बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, टूल दिखाई दे रहा होगा, टूल का इंटरफेस। ये हमारा अनलॉक टूल है, जैसा कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये हमारा अनलॉक टूल है। आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये अनलॉक टूल, इसको छोटे करने की कोशिश की जाए तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, रिफ्रेश, ये देखिए। चलिए, अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ये हमारा अनलॉक टूल है जो कि अभी बहुत अच्छा टूल चल रहा है, ट्रेंडिंग में टूल चल रहा है। आप इसमें इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें जाकर के फुल डिटेल देख सकते हो कि कैसे इसे यूज़ करना है, क्या सारा कुछ इंटरफेस होता है। और जो इसके अपडेट आते रहेंगे मैं आपको इस टूल के बारे में अपडेट भी देता रहूँगा। फिलहाल मेरा आज इस टूल के बारे में अपडेट नहीं है, ये जो KG लॉक है उसके बारे में, कैसे हम उसे अनलॉक करते हैं उसके बारे में ये फुल डिटेल हम वीडियो में दे रहे हैं। तो ये जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो टूल है हमारा सारा इंटरफेस को सपोर्ट करता है। MI, सैमसंग और यहाँ पे हवाई, ओप्पो, वीवो, एक ही टैब में आपको सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो चलिए, हम वहाँ पे KG लॉक की बात करते हैं। तो सैमसंग का जो फ़ोन होता है, सैमसंग में जो लगते हैं KG लॉक, उसको हम कैसे अनलॉक करते हैं बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि सैमसंग में जो लॉक रहेंगे वो जाहिर सी बात है MediaTek CPU से रिलेटेड हम यहाँ पे काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे MediaTek का टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग का भी टैब है, बहुत सारा टैब यहाँ पे दिया हुआ है। सैमसंग के सिक्योरिटी, ओडिन और सारा चीज़ यहाँ पे, सिक्योरिटी पैच, यहाँ पे फंक्शन सारे दिए हुए हैं। बट हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे एंड्रॉयड और यहाँ पे जाना है MTK में जाना है, आपको MTK में जाना है। MTK में जाने के बाद फ्रेंड, इसीलिए मैं एकदम डीप के साथ और बहुत ही आराम से मैं ये डिटेल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, MTK में जाने के बाद आपको सबसे पहले उसको, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए इंटरफेस, यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, ये देखिए। तो ये जो सबसे पहला आपको क्या करना है, अनलॉक टूल खोलना है, फिर उसके बाद आपको MediaTek में जाना है। MediaTek में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं MediaTek में आपको तीन टैब, फ्लैश, मेटा और MTK यूनिवर्सल का टैब दिखाई दे रहा है। पहला टैब है फ्लैशिंग का, दूसरा टैब है मेटा मोड पे, जो भी मेटा मोड में आपको काम करना होता है सारा चीज़ इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है MTK यूनिवर्सल, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है अनलॉक BL पे, अनलॉक बूट लोडर, इसको करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे PREM, इसको करना है आपको सबसे पहले, फ़ोन को कनेक्ट करना है ब्राउन मोड में, आपको कनेक्ट करना है फ़ोन को, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सबसे पहले फ़ोन को। सबसे पहला प्रोसीजर हमें यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। आप जैसे वेटिंग फॉर डिवाइस आ गया, तो यहाँ पे MediaTek का फ़ोन है तो MediaTek का फ़ोन के लिए आपको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए आपको टूल बाईपास और टूल भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट भी आपका काम हो जाएगा। टेस्ट पॉइंट से आपका काम हो सकता है या फिर वैल्यूम अप डाउन से काम हो सकता है, वो सारी चीज़ें, हर एक फ़ोन की कनेक्टिविटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपको करना है, सबसे पहले यहाँ पे अनलॉक कर देना है फ़ोन को। अनलॉक करने के बाद
मैं बस स्टॉप कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद अब आपको सीधा और सीधा जाना है स्पेशल टास्क, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक और यहाँ पे स्पेशल दो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे स्पेशल में जाना है। स्पेशल में जाने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, सैमसंग केजी। यहाँ पे सैमसंग केजी और एमडीएम लॉक को बहुत ही इजी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। इन केस अगर वो मीडियाटेक सीपीयू है, क्वालकॉम सीपीयू है, तो एमडीएम लॉक के लिए आप उसकी फाइल से एमडीएम एक फाइल कस्टमाइज फाइल से आप उसको फ्लैश कर देंगे तो उसका एमडीएम लॉक हट जाएगा। बट अगर नहीं हटता है फ्रेंड, तो आपको फिर UEFI और इजी अटैक का यूज करना होगा, जिसमें आपको उसको जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें आपको करके उसकी MMC का बैकअप ले करके, बैकअप लेने के बाद उसकी RPMB क्लीन करके उसमें फिर से उसमें राइट करना होगा, उसमें फुल डंप से फ्लैश करना होगा, मतलब प्रोग्राम करना होगा, तब जाके उसका केजी लॉक और MDM लॉक रिमूव हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। बट अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमें ISP या फिर MMC को निकाल ना पड़े, तो आप ये टूल यूज कर सकते हैं, मीडियाटेक और क्वालकॉम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमें फिर से मैं एक रिमाइंड करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, हमें क्या करना है। मेरा जो ये आज का वीडियो था वो केजी लॉक के ऊपर था, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको कवर करने की कोशिश की है। जैसे आप उसको अनलॉक BL कर देंगे, बूट लोडर कर देंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, सीधा सिंपल और केजी लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे कर देना है आपको। जैसे आप इसको कर देंगे, यहाँ पे वेटिंग फॉर USB अभी आएगा आपको थ्राइस, और यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग फॉर USB आपका यहाँ पे आ रहा है। वेटिंग फॉर USB करने के बाद आपका जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। इन फ्यूचर मेरे पास अगर फोन आता है तो मैं इसका जरूर प्रैक्टिकल एक वीडियो दूंगा, पर ये 110% काम करता है फ्रेंड। आप यहाँ पे जाके मीडियाटेक सीपीयू से रिलेटेड सैमसंग के फोनों में आप इसको जाकर के इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हो। सिंपल और सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जेनरिक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे DRMB को अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आपको सीधा स्पेशल में जाना है और यहाँ पे आपको लिख कर देना है सैमसंग KG, उसके बाद आपको लॉक या तो कंप्लीट यहाँ पे दोनों पे आप कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉक में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट KG लॉक स्टेटस है यहाँ पे, और कंप्लीट में आपको यहाँ पे KG लॉक का स्टेटस भी सारा क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे MDM लॉक और यहाँ पे दोनों ही चीज हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कर देना है, जिसमें आपका KG लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। ये देख सकते हैं, ये बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो ये अनलॉक टूल। और बाकी अनलॉक टूल के बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए, फुल डीपली में आपको नॉलेज चाहिए, तब आपको क्या करना है फ्रेंड, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस इंटरफेस का हमें एक पर्टिकुलर वीडियो और चाहिए और इसके डीपली के बारे में, डीपली नॉलेज के बारे में चाहिए, तो आप हमारा AC टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको परफेक्ट हर एक टैब का MI, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जिस भी हम अपने AC टेलीकॉम में यहाँ पे पढ़ाते हैं, उस सारा यहाँ पे इंटरफेस को प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाते हैं। क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि आपको कितना भी अच्छा हम यहाँ पे गाइड कर दें, बट आप देख करके समझ सकते हो, पर आपको एक वे चाहिए, एक प्रैक्टिकल वे चाहिए, तो आप ऐसा टेलीकॉम को जरूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सारे इंटरफेस के बारे में मैं फुल डिटेल करता हूँ, बाकी जितना हो सकता है मैं यहाँ पे करने की फुल कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो एक छोटा सा फिर से जैसा की तरह मैं हमेशा की तरह हाईलाइट करता हूँ, तो आपको फटाक से हाईलाइट कर देता हूँ। आपको सीधा अनलॉक टूल खोलना है, आपको MTK में जाना है, आपको MTK यूनिवर्सल में जाना है, फिर जेनरिक में जाने के बाद आपको यहाँ पे अनलॉक BL करना है, उसके बाद आपको सिंपल स्पेशल में जा करके यहाँ पे KG लॉक पे क्लिक कर देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो KG लॉक के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन ऐसे मिलते रहे। हमेशा मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।